आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, ये समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया है। अब आप साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में मंगलवार 19 दिसंबर 2023 का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन सुनिए। मध्य प्रदेश की राजनीति में चल रही अटकलों के बीच पहली बार मंगलवार को शिवराज सिंह चौहान दिल्ली प्रवास पर गए। चुनाव परिणाम आने के बाद शिवराज की यह पहली दिल्ली यात्रा थी। इस दौरान उन्होंने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भेंट की। इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। मुलाकात के बाद शिवराज सिंह चौहान काफी खुश नजर आए। जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद शिवराज ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उन्हें दक्षिण भारत की यात्रा का दायित्व दिया जा रहा है। चौहान से जब मीडिया ने पूछा कि आपको क्या भूमिका दी जा सकती है, तो शिवराज चौहान ने कहा कि जो पार्टी उन्हें जिम्मेदारी देगी वे निभाएंगे। उन्होंने कहा कि वे पार्टी के कार्यकर्ता हैं। कोरोना के कारण एक बार फिर दहशत पसर रही है। केरल में इसके नए JN1 वेरिएंट ने दस्तक दे दी है। यहां कोरोना के 325 नए केसेस सामने आए हैं। इसके बाद देश भर में सतर्कता बरती जाने लगी है। अब MP में भी कोरोना को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लोगों से गाइडलाइन का पालन करने को कहा है। राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल ने कहा है कि भारिया, सहरिया और बैगा जनजाति की बसाहटों के लिए आवश्यक मूलभूत सुविधाओं और सेवा केंद्रों की उपलब्धता को सुनिश्चित किया जाए। मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता, आवश्यकता और पूर्ति की जानकारी को तहसीलवार संकलित कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि जानकारी को मानचित्र पर उनकी भौगोलिक स्थिति के साथ चिन्हांकित किया जाए। लक्ष्य पूर्ति के लिए चरणबद्ध कार्य योजना तैयार कर समय सीमा में कार्रवाई की जाए। राज्यपाल श्री पटेल प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान की समीक्षा के दौरान जनजातीय कार्य विभाग और जनजाति प्रकोष्ठ राजभवन के अधिकारियों के साथ चर्चा कर रहे थे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गांव, गरीब, किसान, मजदूर, महिला, युवा सभी के विकास के लिए लगातार कार्य किया जाएगा। प्रदेश को देश का नंबर एक राज्य बनाएंगे। जनता के हित में लगातार कार्य किए जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव जिला पांढोणा में जनसंवाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा कि पहली बार आप सभी के बीच संवाद करने आया हूं। यह सिर्फ एक शुरुआत है, मैं लगातार आपके बीच जाकर संवाद करता रहूंगा। संवाद के इस सिलसिले को जनसंवाद का नाम दिया गया है। जनता से बात करके, जनता की कठिनाइयों को समझकर हर समस्या का उचित समाधान किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश की जनता के साथ भाई बहन का नाता है। इस नाते आप सभी के बीच लगातार आता रहूंगा। आप सभी से बात कर आपकी समस्याओं का निराकरण करूंगा। जो छोटे, नवीन और पिछड़े जिले हैं, उनकी क्षेत्रानुसार स्थानीय कठिनाइयां हैं। इन कठिनाइयों को मौके पर जाकर समझना और समाधान करना जरूरी है। जिला बनने के बाद जिले की स्थानीय परेशानियों को दूर कर उसका विकास करना राज्य शासन का दायित्व है। ये समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया है। अब सुन रहे हैं साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में मंगलवार 19 दिसंबर 2023 का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि बिल्डिंग परमिशन और कंपाउंडिंग के नियम और प्रक्रिया का सरलीकरण किया जाए। नियम स्पष्ट और सरल हो, जिसे आम आदमी आसानी से समझ सके और उसे कोई परेशानी न हो। सामान्य व्यक्ति जीवन में एक बार मकान बनाता है, अतः बिल्डिंग परमिशन आदि की व्यवस्था ऐसी की जाए जिससे वह परेशान न हो और निर्धारित समय सीमा में कार्य हो। नगरीय निकायों से नक्शे जल्दी पास कराने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। भवन अनुज्ञा से संबंधित सॉफ्टवेयर का आकलन कर यह ज्ञात करें कि वर्तमान में औसतन कितने दिनों में भवन अनुज्ञा जारी की जा रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने यह निर्देश नगरीय विकास एवं आवास विभाग की विधानसभा के समिति कक्ष में हुई बैठक में दिए। बैठक में मुख्य सचिव श्रीमती वीरा राणा तथा अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि शासकीय भवनों के निर्माण के लिए भी नगरीय निकायों से अनुमति प्राप्त की जाए। नगर निगम, लोक निर्माण विभाग, विकास प्राधिकरण, हाउसिंग बोर्ड, पर्यटन सहित शासकीय भवन निर्माण में संलग्न सभी एजेंसियां बिल्डिंग परमिशन लें और निर्माण में बिल्डिंग लाइन, ओपन स्पेस, पार्किंग आदि का अनिवार्यतः ध्यान रखें।
टीडीआर व टीओडी के क्षेत्र में प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए ताकि रहवासियों को सुविधा प्राप्त हो और शहरों की बेहतर प्लानिंग भी सुनिश्चित की जा सके। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि सड़क चौड़ीकरण से संबंधित प्रोजेक्ट्स की प्लानिंग स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए बेहतर तरीके से की जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि स्थानीय निवासियों की समस्याएं न बढ़ें, उन्हें सुविधा प्राप्त हो, साथ ही सड़क चौड़ीकरण में बिजली संबंधी कार्यों में लोगों की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाए। प्रदेश की 16वीं विधानसभा के पहले सत्र के दूसरे दिन आज 21 विधायकों ने शपथ ग्रहण की। इससे पहले सोमवार को 207 नवंबर निर्वाचित विधायकों ने शपथ ग्रहण की थी। प्रोटेम स्पीकर गोपाल भार्गव पहले ही शपथ ले चुके हैं। छिंदवाड़ा विधायक पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ विदेश में होने के चलते इस सत्र में शामिल नहीं हो रहे हैं, इसलिए वो बाद में शपथ लेंगे। इसके साथ ही स्व सरताज सिंह, रामदयाल अहिरवार, भगवत सिंह पटेल, कल्याण जैन, ताराचंद पटेल, रामदयाल भारद्वाज समेत दिवंगत नेताओं, सदन के पूर्व सदस्यों और राजनीतिक विभूतियों को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद प्रोटेम स्पीकर गोपाल भार्गव ने सदन की कार्यवाही 20 दिसंबर सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। विधानसभा में 20 दिसंबर को अध्यक्ष का निर्वाचन होना है, जिसके निर्विरोध होने की पूरी संभावना है। सोमवार को विधायक नरेंद्र सिंह तोमर को विधानसभा अध्यक्ष के निर्वाचन के लिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने प्रस्ताव विधानसभा के प्रमुख सचिव एपी सिंह को सौंपा। प्रस्ताव का समर्थन नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने किया। इस तरह विधानसभा अध्यक्ष का निर्वाचन सर्वसम्मति से निर्वाचित होने का रास्ता साफ हो गया है। इधर कांग्रेस ने विधानसभा में उपाध्यक्ष उसे देने का आग्रह किया है। उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने कहा कि सत्तारूढ़ दल भाजपा को सहृदयता का परिचय देते हुए उपाध्यक्ष का पद कांग्रेस को देना चाहिए। प्रदेश विधानसभा सत्र के पहले दिन कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई। बैठक में नव निर्वाचित नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और उपनेता हेमंत कटारे ने विधायकों को बताया कि वे किस प्रकार से सदन की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, वे किन किन नियमों के तहत सदन में अपनी आवाज उठा सकते हैं, साथ ही आगामी रणनीति को लेकर भी बैठक में बातचीत हुई। विधानसभा उपाध्यक्ष पद को लेकर भी चर्चा की गई। वहीं नवनियुक्त प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी आज पदभार ग्रहण करेंगे। ये समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया है। अब सुन रहे हैं साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में मंगलवार 19 दिसंबर 2023 का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा 2 दिवसीय राष्ट्रीय बाल रंग महोत्सव कल से भोपाल के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय परिसर में आयोजित किया जाएगा। इससे पहले आज राज्य स्तरीय बाल रंग प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। राष्ट्रीय बाल रंग महोत्सव का आयोजन विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास एवं उन्हें भारत की सांस्कृतिक विरासत से परिचय कराने के उद्देश्य से किया जाता है। राष्ट्रीय बाल रंग 2023 महोत्सव में 22 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश सहभागिता करेंगे। इस वर्ष बाल रंग महोत्सव की थीम आत्मनिर्भर भारत होगी। राज्य स्तरीय बाल रंग में प्रदेश के 9 संभागों के लगभग 1200 विद्यार्थी सहभागिता करेंगे। प्रशांत सिंह प्रदेश के महाधिवक्ता पद पर बने रहेंगे। प्रदेश के विधि और विधायी कार्य विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। भिंड जिले में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश निर्माण के अंतर्गत रोजगार मेले का आयोजन 21 दिसंबर को जिला रोजगार कार्यालय किला परिसर भिंड में किया जा रहा है। डिंडोरी में स्वास्थ्य विभाग एवं महिला बाल विकास की संयुक्त बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान कलेक्टर द्वारा NRC में भर्ती बच्चों की समीक्षा की गई। भोपाल मंडल में संत हिरदाराम नगर स्टेशन पर नॉन इंटरलॉकिंग का कार्य किया जाना है। नॉन इंटरलॉकिंग कार्य की अवधि में रतलाम मंडल से होकर चलने वाली 34 ट्रेनें निरस्त एवं 2 ट्रेनें परिवर्तित मार्ग से चलेगी। इंदौर के शासकीय परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केंद्र द्वारा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के युवाओं को मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा। बैतूल में 13 वर्षीय अनुसूचित जनजाति की नाबालिग युवती का अपहरण कर उसके साथ बलात्कार करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास और जुर्माने से दंडित किया गया है। श्योपुर स्थित कूनो नेशनल पार्क के बाड़े से खुले जंगल में छोड़े गए 2 नर चीतों अग्नि और वायु के तीसरे दिन भी शिकार न करने से पार्क प्रबंधन ने चिंता जताई है। इधर विशेषज्ञ यह आशंका जता रहे हैं कि लंबे समय तक बाड़ों में कैद रखने और भोजन उपलब्ध कराए जाने से चीतों में आलस्य की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जो उनके सेहत के लिए ठीक नहीं कही जा सकती।
बता दें कि बरसात के दिनों में चीतों की ताबड़तोड़ मौत की घटनाओं के बाद खुले जंगल से चीतों को फिर बाड़े में कैद कर दिया गया था। रविवार को दो नर चीतों को खुले जंगल में फिर छोड़ा गया है। ग्वालियर के शंकरपुर स्थित नवनिर्मित MPCA क्रिकेट मैदान की फ्लड लाइट की सोमवार देर रात ट्रायल ली गई। स्टेडियम के दो पोल की लाइट को जलाकर टेस्टिंग की गई। 20 दिसंबर तक सभी पोल की लाइट को एक साथ जलाया जाएगा। संभवतः 20 दिसंबर को स्टेडियम का निरीक्षण करने के लिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI टीम भी आ सकती है, इसलिए तैयारियां पूरे जोर शोर के साथ की जा रही हैं। संभवतः 14 जनवरी को भारत और अफगानिस्तान टीम के बीच शंकरपुर स्टेडियम पर टी मैच खेला जाएगा। आप सुन रहे थे समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में मंगलवार 19 दिसंबर 2023 का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। बुधवार 20 दिसंबर 2023 को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर हाजिर होंगे। इसके साथ ही साई न्यूज में ज्वलंत विषयों पर लिंटी की लालटेन रोजाना सुबह 7 बजे देखना न भूलें। यदि आपको ये ऑडियो बुलेटिन पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अभी आपसे अनुमति लेते हैं। जय हिंद।